हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रद्धा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ब्लॉक्स रूम मैक थिंक में। ओमिक्रॉन नाम तो आपने सुना ही होगा, कोरोना का नया रूप यानी कि उसका नया वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है। दोस्तों, पर क्या आप ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन नाम का यह वायरस कोरोना से अधिक डेंजर है या नहीं। वैसे कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन नाम का यह वायरस कोरोना से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है, जिसे कि कोविड-19 थर्ड वेव भी कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन नाम का यह वायरस SARS कोविड-2 या डेल्टा वेरिएंट से अधिक खतरनाक है या नहीं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आगे चलकर यह किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करेगा, यह भी अभी नहीं कहा जा सकता है। परंतु हम यह कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी तक किसी की भी मृत्यु दर को दर्ज नहीं किया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो हमें इस वायरस से घबराना नहीं है, क्योंकि वायरस भले ही नया हो बट हमारी छोटी छोटी प्रिकॉशंस हमें इस घातक वायरस से लड़ने में काफी मदद करेगी। क्योंकि ये सभी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम से भी इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि हमें अपना इम्यून सिस्टम काफी मजबूत रखना होगा, क्योंकि भारत में भी यह वेरिएंट धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। साउथ अफ्रीका से निकला यह ओमिक्रॉन नाम का वायरस पूरे विश्व में विख्यात 35 से अधिक देशों में अपना असर दिखा चुका है। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन नाम के वायरस के आने से काफी हड़कंप मच गया है। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा भी हमें कई आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, एक और जहां भारत में कुछ स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं या फिर कुछ स्टार्ट होने वाले हैं, और इस सिचुएशन में इस फैलते वायरस ने एक बार फिर से सभी को न्यू गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। परंतु गवर्नमेंट द्वारा दिए गए जो भी आदेश रहेंगे वह हम सभी के लिए लाभकारी रहेंगे, जिसका कि हमें पालन करना होगा। ओमिक्रॉन की इस वेरिएंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने ट्रेवल गाइडलाइंस के भी न्यू रूल्स जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं ओमिक्रॉन के कुछ लक्षणों के बारे में। ओमिक्रॉन वेरिएंट किस तरह से हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मांसपेशियों में दर्द का होना, नेक्स्ट है गले में खराश होना, नेक्स्ट है सूखी खांसी का होना, नेक्स्ट आप अपने शरीर में अधिक थकान या वीकनेस को महसूस कर रहे हो, नेक्स्ट है शरीर में हल्का या तेज बुखार का होना। दोस्तों, अगर आप शरीर में किसी भी तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं या फिर आप अपनी बॉडी में इस तरह के लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो तुरंत इसकी जांच करें, जिससे कि आप इस वायरस के स्ट्रेन से बचे रहें और सुरक्षित रहें। आइए अब हम जानते हैं इसकी कुछ प्रिकॉशंस के बारे में कि हमें किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि हमें भीड़ वाली प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है। अगर हम अपने किसी नजदीकी की शादी में भी गए हैं तो हमें काफी सावधानियां रखना होगी। साथ ही साथ भीड़ वाली जगह लाइक घूमना फिरना कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें। नेक्स्ट, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, कुछ अर्जेंट होने पर ही बाहर जाएं। हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर का यूज अवश्य करें और बार बार हाथ धोएं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान भी पूरी तरह से सावधान रहिए। एंड द लास्ट वन इज मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क का उपयोग अवश्य करें। एंड द नेक्स्ट वन इज वैक्सीन के दोनों डोज अवश्य लगवाएं, क्योंकि दोस्तों हमारी जरा सी भूल भी हमें परेशानी में डाल सकती है, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। लास्ट में दो पंक्तियां कुछ कहना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ओमिक्रॉन नाम के इस वायरस को हमें हराना है हमारी अपनी सूझबूझ और सतर्कता के साथ। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।